ये देश में जो लोग हैं इंडिया ग्रुप के, इंडिया अलायंस के, जो सरकार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, सरकार को सवाल पूछ रहे हैं, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर सरकार का नकाब फाड़ रहे हैं, वो सभी को आप ईडी की कार्रवाई को सामना करना पड़ेगा, सीबीआई का सामना करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का सामना करना पड़ेगा। हम खुद उसमें से जा चुके हैं। संजय सिंह को जिस प्रकार से पहले अरेस्ट किया, मैं और मेरी पार्टी उनका कंडेम करता हूँ। आज मैं उनके घर जाऊँगा, शायद कोर्ट में भी जाऊँगा उनसे मिलने। लेकिन आज वापस एक डीएमके के एमपी साहब को भी घर ईडी पहुँची है। ये चलता रहेगा सिलसिला, आप कार्रवाई करते रहो और हम लड़ते रहेंगे। देखिए, अगर प्रधानमंत्री अपने आप को साफ सुथरा मानते हैं तो पार्लियामेंट में हमने इतने सवाल उठाए हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? सामने आकर चर्चा करिए। हमारे मन में बहुत से शंकाएं हैं, हमारे पास कोई आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत है? हम थोड़ी बाहर के देश से आकर यहाँ बात कर रहे हैं, हम तो आपके पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हम भी उस लोकशाही लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं, तो हमसे कम्युनिकेशन तो करिए। बात ऐसे है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी गंदगी फैली है, महाराष्ट्र में लगभग सभी जिलों में सरकारी अस्पतालों में जो मौत का तांडव चल रहा है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, ना सरकार, ना सरकार में शामिल हमारी तीन पार्टी, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, ये सब अपने अपने राजनीति में मशगूल है। किसी को गार्डियन मिनिस्ट्री चाहिए, किसी को कॉरपोरेशन में हिस्सा चाहिए, किसी को मंत्रिमंडल का, कैबिनेट का विस्तार चाहिए, बस उसमें ही चर्चा हो रही है। बाकी जो लोग बच्चे मर रहे हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस खुलासा कर रहे हैं कि देखिए राष्ट्रपति शासन जो 2019 में लगा था शरद पवार ने सलाह दिया था, झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ शरद पवार ने कहा है कि हम बीजेपी के साथ कतई नहीं जाएंगे। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र के राजनीति में अब तक के इतिहास में सबसे झूठा आदमी मैं हूँ, अपने आप को उसने डिक्लेयर कर दिया है। राष्ट्रपति शासन लगाना शरद पवार साहब के हाथ में नहीं है या हमारे हाथ में नहीं है, ये आपकी चाल थी, आपको हमारी पार्टी तोड़नी थी और उसी राष्ट्रपति शासन काल में आपने अजीत पवार को तोड़ दिया था, ये भूल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। ये हमारी पार्टी के जो प्रमुख नेता है महाविकास आघाड़ी के, उनके इमेज को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा।